प्यासे भर सके, लेकिन जब हमारे भक्ति प्रज्ञा के सब इतने मर जाए तो जमींदार घर के थे, इसलिए उनको पता है लोगों को कैसे प्यास था, वही जमींदार थे ना, इसलिए उनको पता लोग से प्यास कैसे आता है करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया मुसलमान में जो श्रेष्ठ व्यक्ति था जिनको मानते थे उन्होंने उनको ला करके उनसे बोलते थे इसी कटहल को पेड़ में कटहल को पेड़ में डाल दे और घोड़े ले करके ना पिटाई किया एक बार कैसे उन्होंने पिटाई किया तुम क्या सुने थे तो आप उनके कैसे उन्होंने पिटाई किया जानते हैं ना कैसे उन्होंने पिटाई की अरे बाबू हम दे देंगे बाबू हम दे देंगे आपने जल्दी मतलब एक महीना बोले एक नहीं मतलब 15 दिन बोले नहीं 3 दिन के अंदर में तुम्हारे जितने तब से जब से तुम खेती कर रहे हो जो प्यास नहीं पड़ा तो 3 दिन के अंदर में देना पड़ेगा। और उसने जाकर के सारे मुसलमान को मोड़ दिया। ऐसे एक विनोद बाबू आए विनोद बाबू आए और ऊँट और सूट पहन कर घोड़े के ऊपर में चलते थे। महाराज जी बता रहे थे ना ये प्रभुपाद का सेवा था इसलिए किसने प्रभुपाद को भी शिकायत कर दिया ये विनोद कैसे वैष्णव कोई तिलक नहीं हरिनाम नहीं करता बाल रखता है सर पर और ऐसे धोती पहनते हैं ना तो शांतिपूर्वक धोती है बड़े कष्टी धोती है उसको पहन करके घोड़े के ऊपर में जैसे उस समय राजा महाराज जो होते थे ना जैसे घोड़े के ऊपर चलते थे बोली कैसे साथ जिससे कोई वैष्णव का कोई जीता नहीं इसलिए भक्ति श्रीनाम सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा जो बोलता है विनोद अजय नहीं करता वैष्णव नहीं तो पूर्व वैष्णव नहीं तुम पूर्व वैष्णव नहीं क्या बताए वो किस रूप में महाप्रभु सेवा कर रहे हैं और इसी वृक्षों के नीचे हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज शुरू में बैठते थे जैसे जमींदार लोग होते थे ना सामने टेबल होता था चेयर के ऊपर बैठ करके ऐसे प्यार को प्रेम प्यार करके ना ऐसे हिलाते जैसे जमींदार लोग इसके प्यार हिलाते वो यहीं पर बैठे हुए थे और हमारे भक्ति विवेक भारती उस समय ये थे सफेद कपड़े के थे हमारे भक्ति प्रज्ञा सफेद कपड़े के थे और जो भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज बड़े लंबे चौड़े प्रभुपाद के जितने शिष्यों में सबसे ज़्यादा लंबे चौड़े भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज थे सब सन्यासी थे और उन्होंने इनके पास में आए हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना किया कभी उन्हें आदेश दिया ऐसे 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 करो तब उन्होंने प्रणाम करके चले गए। एक व्यक्ति ने देखा होगा ये सफ़ेद कपड़ा में बैठा हुआ इस सफ़ेद कपड़ा में बैठा हुआ और एक सन्यासी लंबे चौड़े सन्यासी आए और उनको प्रणाम किया और उनका आदेश प्रार्थना किया और इन्होंने कुछ आदेश दिया और उनको प्रणाम करके चले गए। भाई ये कौन है बोले इनका नाम बिंगोट का बिंगोट का मतलब होता है दादा बड़े भाई दादा उसको बिंगोट दा कहते थे बोले ये बिंगोट आए हाँ यहाँ पे हाँ बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति उनका प्रभाव कैसे था हमारे भक्ति प्रज्ञा के इसलिए हमारे महाराज जो परिक्रमा लाते थे अब याद होगा महाराज यहाँ बैठते थे महाराज यहाँ बैठ करके सारी कथा सुनाते थे वही नकल का